स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ एट योर होम। माई सेल्फ अंकुर कुमार कंडपल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये हमारा क्या, फार्मेसी हमारी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या है, ड्रग का इफेक्टिव यूज पता करेंगे, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका डिस्कवरी कैसे होता है, ठीक है, उसका कंट्रोल कैसे होता है, ये सब हम क्या है फार्मेसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो फार्मेसी हमारा क्या है, ये हमारा 2 ईयर्स का कोर्स है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ईयर हमारा जो क्या है बेसिक है डिप्लोमा फार्मेसी। तो हमारा क्या, फर्स्ट ईयर में जो हमारे कोर्सेज हैं, फर्स्ट ईयर कोर्सेज जो हमारे हैं, इसमें हमारा जो सबसे पहले जो आता है फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद हमारा आता है फार्माकेमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फार्माकोग्नोसी। ये हमारे जो क्या है बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो फार्मेसी फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा फार्मेसी में है। देन हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ है हमारा ह्यूमन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थर्ड है हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। आपके क्या है जो फर्स्ट ईयर में ये सारे आपके थ्योरी वाले जो है सब्जेक्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स हमारा क्या होता है, फार्मास्यूटिक हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या हमारा न्यू केमिकल एंटिटी होती है, वो डायरेक्ट किसमें हम चेंज कर देते हैं, डोजेस फॉर्म में। तो जो भी अगर हम स्टडी करेंगे न्यू केमिकल एंटिटी को, डायरेक्ट हम किसमें डोजेस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो जो भी हम प्रोसेस लगेगी वो किसके अंदर हम पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है फार्माकेमिस्ट्री। फार्माकेमिस्ट्री हमारा क्या, फार्माकेमिस्ट्री के अंदर हम जो पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम जो हमारा मेडिसिन की जो केमिस्ट्री है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सिंथेसिस कैसा है, ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन हमारा क्या है, क्या क्या टेस्ट हैं, वो सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फार्माकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड हमारा आता है फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी हमारा क्या है, जैसे फार्माकोग्नोसी हमारा क्रूड ड्रग होता है, जो हमारा क्रूड ड्रग है उसका हम जो भी क्या कहते हैं स्टडी करेंगे हर्बल के बारे में, तो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री क्या, हमारा जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी में जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर जो भी केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो किसमें, बायोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे। देन हमारा आता है हैप। ये हमारा है हैप, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जो भी हमारी मानव संरचना है उसके अंदर जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जो भी हमारा बॉडी का सिस्टम है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। देन नेक्स्ट हमारा आता है HECP। ये हमारा क्या है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो जो भी बहुत सारी टाइप्स की जो ह्यूमन बॉडी में डिजीजेज होती हैं वो उसका अध्ययन, उसका प्रिवेंशन, कॉज, ट्रीटमेंट जो हम पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे, HECP सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म इन फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या कि हम डोजेस फॉर्म के बारे में जानेंगे कि डोजेस फॉर्म क्या होती है। तो डोजेस फॉर्म हमारी क्या है, एक ऐसा मीडियम है जिससे हमें क्या है कि कोई भी हमें ड्रग क्या है बॉडी में इजीली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। तो क्या है, उसको एक मीडियम बनाना है, वो क्या है, डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म हमारा क्या है, बेसिकली तीन टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहले हमारा क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेकेंड हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। थर्ड है हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। ये हमारे क्या है, थ्री टाइप्स के डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हमारा क्या कोई भी ड्रग का इजीली एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन बॉडी में हो सके। बात कर लेते हैं सॉलिड डोजेस यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर क्या क्या आता है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आ जाता है हमारा, जैसे पहले टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल हो गया, पाउडर हो गया, ये तो किसके अंदर आता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर। उसके बाद कर लेते हैं हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म जैसे आप सामने देख रहे हो क्या हमारे पास रहता है, सिरप रहता है हमारे पास, है ना, सिरप रहता है। उसके बाद क्या सस्पेंशन रहता है, इमल्सन रहता है, ठीक है, इलिक्जर हो गया, लिनिमेंट्स हो गए, लोशन हो गए, ये सारे क्या हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या आता है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हमारे क्या हो गया, जो क्या होगा, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, सेमी सॉलिड है मतलब एक पेस्ट की तरह। तो उसमें हमारा क्या क्या हो गया, जैसे क्रीम हो गया, पेस्ट हो गए, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। नाउ हम बात कर लेते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिक्स में है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपोइया। तो हमारा सबसे पहले फार्माकोपोइया क्या है, तो फार्माको इसका मीन्स होता है हमारा ड्रग, और पोइया मीन्स होता है टू मेक, तो मतलब क्या है, हाउ टू मेक ड्रग। तो जैसे क्या है, इसमें फार्माकोपोइया हमारा एक स्टैंडर्ड है, तो इसके अंदर हमारी हमें सारी जानकारी होंगी कि हमें ड्रग कैसे बनानी है। तो हमारा जो क्या होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड है इंडियन फार्माकोपोइया, तो हमारा ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ये एक तरह की बुक होगी। इस बुक के अंदर हमें सभी टाइप्स की ड्रग्स के बारे में स्टैंडर्ड दिया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग हमें कोई भी फॉर्मुलेशन अपने
डोजेस फॉर्म की तरह बनानी। नेक्स्ट हमारा आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या है? सीधे सीधे जैसे हिंदी में उसे बोलते हैं मापक। मापना मतलब कोई भी हमारा वेट मीजर होगा तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं ये हमारे काफ़ी हेल्थ हजार्डस होते हैं, तो हमें क्या करना है इसको जो मेजरमेंट होता है इसका एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसमें जो भी डोज कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो जो भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे वो हमें मेट्रोलॉजी के अंदर स्टडी करनी है। सेकंड आता है हमारा पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं सेफ होने चाहिए, बाहरी इन्वायरमेंट से उनका कॉन्टैक्ट बहुत कम होना चाहिए। तो हमारा क्या है कि हमें जो भी हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जो भी हमने डोजेस फॉर्म बनाई है उसका जो पैकेजिंग हमारा प्रॉपर होना चाहिए। तो क्या क्या हमें उसके लिए यूज करना है, क्या क्या उसका जो फैक्टर्स हैं वो हम सब किस में पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। तो अब हम बात करते हैं साइज रिडक्शन की। साइज रिडक्शन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है किसी भी चीज़ में कमी करना, रिडक्शन मीन्स किसी भी चीज़ में कमी करना। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या है रिडक्शन का क्या है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो साइज रिडक्शन किस किस मेथड से कर सकते हैं हम, क्या क्या उसमें प्रिंसिपल लगता है, क्या क्या उसमें मैकेनिज्म यूज होता है, तो हम सब किस में पढ़ेंगे साइज रिडक्शन में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है साइज सेपरेशन। तो साइज रिडक्शन के बाद हमें क्या है बहुत सारे टाइप्स के पार्टिकल्स मिलेंगे, तो हमें क्या वो पार्टिकल साइज शेप के आधार पर जो भी उसका सेपरेशन करना है क्या क्या टेक्निक्स है उसमें यूज होनी है, तो हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे साइज सेपरेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन क्या है हमारा, जैसे आपको पता ही फिल्टर आउट करना। तो हमारा क्या है जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें फिल्ट्रेशन का भी मेन इंपॉर्टेंट रोल है। फिल्ट्रेशन क्या हमारा जो किसी भी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल में से सॉलिड को अलग करना। तो उसमें क्या हमें सिंपली हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करेंगे उसमें क्या होगा हमें फिल्टर मीडिया यूज करना पड़ेगा। फिल्टर मीडिया भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे फिल्टर आउट करेंगे तो हमारा सॉलिड अलग रहेगा और लिक्विड अलग रहेगा। तो इसके अंदर क्या क्या अपने प्रोसीजर रहता है और क्या क्या हम इसमें यूज करते हैं मेथड वो सब हम किस में पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। मिक्सिंग आपको सब पता है मिक्स करना, तो क्या है एक से ज़्यादा या दो या तीन से ज़्यादा जो भी हमारा मटेरियल है हमारे पास उसको मिक्सिंग करना, किस तरीके से हम मिक्सिंग करते हैं। तो मिक्सिंग के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। क्या हमारा है मिक्सिंग के टाइम हमारा क्या न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव मिक्सिंग होती है और निगेटिव मिक्सिंग होती है। तो ऐसा हमारा मिक्सिंग के अंदर क्या क्या हमारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं मिक्सिंग को। दूसरा है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन हमारा क्या ऐसी प्रोसेस है जो उसमें क्या कोरस इमल्शन को हम फाइन इमल्शन में कैसे हम चेंज करते हैं, तो हम सब किस में पढ़ेंगे होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन हमारी क्या प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करना पूरी तरीके से। स्टरलाइज क्या होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। तो क्या क्या उसमें टेक्निक्स होती है हमारी, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है। तो जिस टाइप के हमारे स्टरलाइजेशन होते हैं उसको क्या क्या हम पढ़ेंगे वो सब हमारा स्टरलाइजेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है कि हम कोई सा भी हमारे पास लिक्विड है उसको क्या करेंगे बॉईल करेंगे, और बॉईल करने के बाद जो वेपर होगी उसे हम क्या करेंगे कंडेंस करेंगे। तो कंडेंस करने के बाद जो हमें दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, तो हमारा क्या है डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट। तो प्रोसेसिंग मैंने आपको पहले बताया टैबलेट क्या हमारी सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। तो हमारा क्या है कि टैबलेट में कैसे हमारी टैबलेट बनेगी, क्या क्या उसमें रॉ मटेरियल यूज होंगे, क्या क्या एवोल्यूशन होगा, क्या क्या उसको हमें क्या कहते हैं मार्केट में क्या क्या पहुंचाने के लिए क्या क्या हमें पैरामीटर्स चाहिए, तो हम सब किस में पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स में। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल भी मैंने आपको बताया कि क्या है सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है, सेम उसका जैसे हमारा पैरामीटर टैबलेट की तरह होता है सेम वैसी कैप्सूल की तरह रहेगा। तो हम उसके अंदर जो भी हमारे पैरामीटर्स होंगे हम सब वो कैप्सूल के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पूरा फार्मास्यूटिक्स में जितने भी हमारी यूनिट्स थी वो हमने ओवरव्यू की कि हमारे पे क्या क्या यूनिट्स हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल से वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।